हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल संतोष यादव सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि देखिए, मैं अपने रेलवे कॉलोनी में बाहर आकर एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे, बहुत दिन से हो गया जो आपका KBS PRT का रिजल्ट को लेकर काफ़ी हलचल मचा हुआ, ठीक है? तो उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। जो लोग हमको रेगुलर वीडियो में फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं KBS में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2 साल मेरे पास एक्सपीरियंस है। 2 साल हमने पढ़ाया था, उसके बाद अभी मेरा रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया तो मैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है? 2 साल से मैं पढ़ा रहा था एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ठीक। तो KBS से रिलेटेड जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी बातें मैं बताऊँगा, मेरे अकॉर्डिंग जो सही लगता है वही मैं बताऊँगा। अब आपकी मर्जी, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। देखिए, तो जो रिजल्ट को लेकर बहुत सारी हलचल मची हुई, देखिए रिजल्ट जब आना है तब तो आएगा। आपका BTC और BEd का जो आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसकी सुनवाई हो गई, हाँ BEd को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। तो इससे नो डाउट कि PRT का जो KBS PRT का कट ऑफ है, पहले जितना एक्सपेक्ट कर ले रहे लोग 130 135 140 तक लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, उतना तो नहीं जाएगा। ये तो फिक्स हो गया कि उतना नहीं जाएगा, कम जाएगा, लेकिन कितना जाएगा ये भी बहुत सारी डाउट वाली चीज़ें बनी हुई। तो जो भी भाई बहन 100 से लेकर 110 के बीच में हैं, ठीक है, ऐसा इतना कम तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जा सकता है, ठीक है? अगर आपको 100 से लेकर 110 के बीच में तो नहीं जा, अरे 100 से लेकर 110 के बीच में तो नहीं जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन जा भी सकता है। इसलिए जा सकता है क्योंकि BEd को बाहर कर दिया गया, ठीक है? तो BTC वाले जितने भी लड़के, मैक्सिमम लड़कों को साइकोलॉजी में नंबर नहीं उठे हुए हैं। मैं भी खुद ऑलरेडी BTC किया हूँ, मेरे 125 से लेकर 130 के बीच में बने, क्योंकि एक बार एंसर की मिलाया था तो 128 आया था, एक बार मिलाया था 125 आया था, ठीक है? ठीक है भाइयों, तो देखिए 110 से लेके 115 के बीच में, 100 से लेके 115 के बीच में जिसके बनना चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, थोड़े जनरल वालों का तो भाई इससे ज़्यादा ही जाएगा, किसी भी कैटेगरी से, तो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार के आपके सेलेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस बार 30% इंटरव्यू का लिया जाएगा और 70% आपके रिटर्न एग्जामिनेशन का, ठीक है? तो इंटरव्यू की तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू में जितना ज़्यादा स्कोर आप करेंगे, आपके सेलेक्शन के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू का मात्र 15% ही लिया गया था, 85% रिटर्न का लिया गया था, ठीक। तो इस बार इंटरव्यू का 30% है, इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो भी भाई बहन कहीं भी किसी केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ाए हुए, प्रॉपर तरीके से किसी चैनल को फॉलो करके इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? या थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है KBS में कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि देखिए 2 साल के बीच में करीब 10 से 12 जगह मैं इंटरव्यू अटेम्प्ट किया हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए। तो कुछ बहुत थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास भी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, और 2 साल से मैं पढ़ाया हूँ तो मुझे भी आइडिया। तो इंटरव्यू का जब डेट आ जाएगा तो उससे इंटरव्यू से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि देखिए मैं रेलवे में जॉब भी करता हूँ, उतनी सारी टाइम नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले बात वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन से शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए, एक रफली आइडिया पता चले कि जो लोग हैं कितने के बीच में नंबर लाई कर रहा है, ठीक है? तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, फिर मैं अगले वीडियो में। और आप लोग अगर इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कैसे कैसे इंटरव्यू, हमारी जो 8-10 जगह 12 जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछा जाता है, क्या फॉलो करना, उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए, बाय बाय।